आप देख रहे हैं गर्जना नारी की गर्जना नारी चैनल पर। आज मैं फिर ऑडियंस के एक प्रश्न का जवाब दे रही हूँ। एक बच्ची ने पूछा है कि मैम, जब लड़का होता है तो कुआ पूजन होता था गांव में भी शहरों में भी, लेकिन लड़कियां होती है तो क्यों नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि भारतीय समाज जो है वो पुरुष प्रधान रहा है और हमेशा से ही दादा दादी नाना नानी माता पिता सभी को ये रहा है कि जो लड़का होगा तो वो हमारे जो परिवार की जो बेल है, जो हमारे परिवार की जो आगे की पीढ़ी है उसको बढ़ाएगा और लड़की क्या होगी, दूसरे घर में चली जाएगी। और वैसे कुआ पूजन की परंपरा है वो देखिए, वो इसलिए है कि एक तरह से जल देवता को पूजने के लिए, पर उसको माध्यम जो ये बना लिया लिंग के आधार पर सिर्फ लड़के का ही कुआ पूजन होगा लड़कियों का नहीं, वो चीज क्या थी, गलत थी। और उसके पीछे के भी कारण ये हैं। पहले देखिएगा, लड़की की शादी करने के लिए क्या, पहले लड़की को पढ़ाओ, फिर उसके लिए अच्छा वर देखो, दहेज दो, हैं शादी करो, फिर कुछ समय के बाद लड़की पराई हो जाती थी। तो शिक्षा का अभाव था, इसलिए लोगों में यही था कि लड़का सिर्फ हमारे पास रहेगा, लड़की चली जाएगी। लेकिन अब वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। हाँ, आज भी कुछ लोग कुआ पूजन करते हैं तो लड़कों का नहीं, लड़कियों का भी किया जाता है। और प्राचीन समय में सिर्फ लड़कों का करने के पीछे एक ही चीज हुआ करती थी, वो सिर्फ लोगों की सोच ही इतनी थी, ये थी कि सिर्फ क्या है, परिवार को आगे ले जाने वाला लड़का है और लड़की को दूसरे घर पे चली जाती है, बस इसी के चक्कर में ये किया जाता था। और भी आपका कोई प्रश्न है, आपके पास मेरे से अच्छा अलग जवाब है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको भी कुछ प्राचीन रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो महिलाओं से रिलेटेड है तो आप भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।